आपका क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर्स, बी सी इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर्स एंड एंगल बी इज 45 डिग्रीज। ठीक है ना। तो इससे पहले जो क्वेश्चन हमने देखे थे उसके अंदर था प्लस, यहां पर है माइनस। ठीक है ना। तो देर इज अ डिफरेंस इन दैट। ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो देखो कैसे आ रहा है, ये ए के बाद बी आ रहा है और यहां पर आ रहा है ए के बाद सी। तो इट्स ट्रू, ए के बाद ही सी आता है और ए के बाद ही बी आता है। ठीक है। तो ये हमारा एकदम परफेक्ट है। तो दैट मीन्स अब हमारा कहां पर बनेगा, जो हमारा बी सी होगा उसके ऊपर ही हमको सब कुछ बनाना है, नीचे की तरफ कुछ नहीं आएगा, थोड़ा ध्यान रखना है इसको ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट बनाया, दिस इज योर बी एंड सी, दिस इज 3.4 सेंटीमीटर्स, ये आपको स्केल के साथ बनाना है। तो 3.4 सेंटीमीटर्स। ठीक है ना। अब देखो ये सिंगल था, अब हमको बनाना है एंगल बी, दैट इज योर 45 डिग्रीज। तो 45 डिग्री हम कैसे बनाते हैं, पहले 90 बनाएंगे फिर बाइसेक्ट कर देंगे, है ना। तो हमने क्या किया, बी एस ए सेंटर, टेक अ कंपास, फिक्स एनी मेजरमेंट एंड मेक एन आर्क फ्रॉम हियर टू हियर। तो हमने क्या किया, यहां रख के और हमने बनाया ऐसे। ठीक है ना। दिस पॉइंट इज योर सी, सॉरी सी इधर है तो डी। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, डी एस ए सेंटर एंड मेक टू आर्क्स। तो डी में रख के एक आर्क आप बनाओगे, इट विल कम हियर, दिस इज योर ई। नाउ ई एस ए सेंटर, मेक अनदर आर्क हियर, तो दिस इज योर एफ। ठीक है ना। नाउ ई एस ए सेंटर, मेक एन आर्क हियर विद द हेल्प ऑफ अ कंपास, ही हो रहा है ये, तो इट विल कम हियर। नाउ एफ एफ एस ए सेंटर, मेक अनदर आर्क विच इंटरसेक्ट दिस आर्क। ठीक है ना। दिस इज योर जी, जॉइन जी बी। ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, 90 डिग्रीज। ठीक है ना। तो दिस पॉइंट इज योर एच, ये वाला पॉइंट आपका एच हो गया। ठीक है। जो हमने किया है पहले लिख लेते हैं। तो लाइन सेगमेंट, फर्स्ट इज योर लाइन सेगमेंट, दैट इज योर 3.4 सेंटीमीटर्स। सेकेंड, फिर हमने क्या किया, बी में रख के वी हैव मेक 90 डिग्रीज, एट बी मेक 90 डिग्री। नाउ बाइसेक्ट दिस 90 डिग्री। तो अब हम इसको बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट कैसे करेंगे हम, डी एस ए सेंटर, मेक एन आर्क हियर। ठीक है। तो हमने एक आर्क बनाया यहां विद द सेम मेजरमेंट, उसी कंपास से एच एस ए सेंटर, मेक एन अदर आर्क हियर, दिस पॉइंट इज योर पी नाउ। ठीक है नाउ जॉइन पी बी एंड एक्सटेंड इट। ठीक है। तो दिस इज योर एक्स। तो सेम चीज हम लिख देते हैं, है ना, बाइसेक्ट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बाइसेक्ट कर दिया, तो ये एंगल हमारा हो गया 45 डिग्री नाउ, है ना।
तो बाइसेक 90 डिग्री दैट मींस बी टू एक्स, तो दैट इज योर एंगल एक्स बी सी। ठीक है, नाउ कंपास, नेक्स्ट इज कंपास के ऊपर आपको फिक्स करना है व्हाट, 1.5 सेंटीमीटर्स कंपास के ऊपर फिक्स करना है, एंड यू हैव टू मेक एन आर्क बाय टेकिंग बी एस अ सेंटर ऑन बी एक्स। तो आपका कहां पर आएगा, इट विल कम समवॉट हियर। तो दिस पॉइंट जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस पॉइंट इज योर क्यू। ठीक है नाउ, तो कंपास से हमने क्या किया, 1.5 सेंटीमीटर एडजस्ट किया एंड मेक एन आर्क ऑन बी एक्स एट क्यू। तो नाउ बी क्यू इज अवर 1.5 सेंटीमीटर्स, तो बी क्यू इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है नाउ, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू जॉइन क्यू एंड सी। तो वी विल राइट हियर जॉइन क्यू सी। नाउ बाइसेक्ट क्यू सी, जो हमने नया लाइन बनाया है इसको आपको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट कैसे करेंगे, सी एस ए सेंटर मेक एन आर्क हियर। ठीक है नाउ क्यू एस ए सेंटर मेक अनदर आर्क विच इंटरसेक्ट दिस पॉइंट, और इसी के अपोजिट में यू हैव टू मेक अनदर। तो हमने क्या किया, यहां पर एक बनाया और यहां से इसको कट कर दिया। तो दिस इज आवर इंटरसेक्शन। ठीक है नाउ एक्सटेंड दिस इंटरसेक्शन और बाइसेक्शन फर्दर टिल इट जॉइंस बी एक्स। तो वही हम लिखते हैं बाइसेक्ट क्यू सी, नाउ एक्सटेंड बाइसेक्टर टू जॉइन बी एक्स। तो हमने क्या किया, इसको इंक्रीज किया। तो इंक्रीज किया तो ये कहां पर आ गया, देखो ठीक है, तो दिस पॉइंट इज योर ए। नाउ एक्सटेंड बाई सेक्टर टू जॉइन बी एक्स एट ए। ठीक है नेक्स्ट जॉइन बी ए सी। तो नाउ हमने क्या किया, ए से सी तक जॉइन कर दिया। ठीक है तो दिस इज योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज ए बी एंड सी। ठीक है तो अब आप देखो हमने क्या किया है, हमने किया है इसने कहा कि ए से बी तक, ए टू बी माइनस ए टू सी इज योर 1.5। तो हमने पहले ये बना दिया था बी टू क्यू इज 1.5, है ना, बी टू क्यू इज इक्वल टू 1.5 बनाया था हमने पहले, ये देखो। तो अब हमने क्या किया है, देखो ए बी से ए क्यू को माइनस किया, ए बी माइनस ए क्यू दैट इज इक्वल टू 1.5। ए बी माइनस ए क्यू इज दिस बी क्यू, है ना। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, दिस इज इक्वल टू दिस,
ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ए क्यू इज इक्वल टू ए सी, हमने इक्वल करके उसको माइनस कर दिया, तो आपको इस तरह से बनाना है इसको, ठीक है।